इंडियन न्यूज 24 आवर। नई दिल्ली है, एक तरफ कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बल ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों के खात्मे में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ आतंकी अपनी नई खेप तैयार करने के लिए अब कश्मीर के पढ़े लिखे युवकों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ताज़ा खबर के मुताबिक देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर की है जिसमें उसके हाथ में AK-47 है। ऐसा बताया जा रहा है कि PhD कर रहे इस युवक ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर लिया है। PhD स्कॉलर इस छात्र का नाम मुनान बशीर वानी है और यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अप्लाइड जियोलॉजी में PhD कर रहा था। उसने कुछ दिनों पहले यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोलाब के रहने वाला वानी 26 साल का है और वह 3 दिन पहले घर आने वाला था, लेकिन उसने घर पर कोई खबर नहीं दी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर के मुताबिक वानी पिछले 5 साल से AMU में रह रहा था, वहाँ उसने MPhil की डिग्री भी ली। रविवार को हिवानी के परिवार की तरफ से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की। यह भी पढ़ें, कश्मीर में ISIS का पहला जत्था तैयार, सोशल मीडिया से हुआ खुलासा। सुरक्षा एजेंसी वानी के आतंकी संगठन में शामिल होने को कश्मीर के भटके हुए युवाओं को मुख्य धारा में लाने और आतंक के खात्मे के सरकार के प्रयासों के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि सरकार कश्मीरी युवाओं को हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में वापस लौटने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले फुटबॉलर से आतंकी बने माजिद खान ने नवंबर महीने में सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस बात की पुष्टि रक्षा विभाग के सूत्रों ने की है। माजिद खान जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और वह एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी रहा है। कुछ दिन पहले माजिद के फुटबॉल छोड़कर बंदूक थामने की खबरें आई थी। इस तरह की सूचना थी कि वह लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया है। यह भी पढ़ें, आतंकवाद का रास्ता छोड़ना चाहते हैं कश्मीरी युवक तो करें इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन। आतंकी बनने की खबर सुनते ही माजिद के घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। उसकी माँ आशिया ने तो एक वीडियो जारी कर बेटे से वापस आने की अपील की थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। माजिद अच्छा खिलाड़ी होने के साथ साथ BCom का छात्र भी है। कुछ दिनों पहले वह अचानक गायब हो गया था। वीडियो में माँ ने अपने बेटे से गुहार लगाई थी, बेटा एक बार घर आ जाओ, मुझे और अपने बाप का कत्ल कर दो और फिर जहाँ जाना है चले जाओ। उधर माजिद के पिता को जब यह पता चला कि उनका होनहार बेटा आतंकी बन गया है तो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था। घर में मानो मातम पसर गया था। अब माजिद द्वारा आत्मसमर्पण करने की सूचना पर उसके घर वालों ने राहत की सांस ली है। परिजनों का कहना है कि उनका बेटा वापस आ गया है, यह उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है।